मेरा नाम अनिल देवीदास राव फड़ है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और इस विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद राष्ट्रीय कार्यवाह इस पद पर काम करता हूँ। देखिए, हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अभी केंद्र सरकार के विमुक्त घुमंतू जनजाति अर्ध घुमंतू जनजाति विकास एवं कल्याण बोर्ड, जो देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार गठित हुआ है, इस समाज को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थान मिला है, तो इसके मार्गदर्शन में हम पिछले बहुत सालों से काम करते हैं। लेकिन हमारे ध्यान में ये आया कि अभी तक देश में इस विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य करने वाला कोई संगठन नहीं है और करीब करीब 15 करोड़ की आबादी इस समाज की जो सरकार ने स्वीकृत की है, 1658 जनजातियाँ है, तो इसके लिए कोई काम करने का संगठन हो, तो ये 2015 से राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन काम कर रहा है। और 24 अगस्त को हम लोग आए थे। गुजरात की एक बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, बोर्ड के साथ हुई थी और संगठन की हुई थी, तब हमने कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त भी किया था। लेकिन गुजरात राज्य की कार्यकारिणी की बैठक हो, पूरे गुजरात राज्य में जितना भी समाज है, 40 जनजातियाँ है, कम से कम 1 या 1.5 करोड़ की आबादी की संख्या है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के साथ ये लोग संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए गुजरात राज्य की बैठक का यह नियोजन किया था। इस बैठक में अभी केंद्र सरकार किस तरह से इस समाज के लिए काम कर रही है, हमारा जो अभी जो नया वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, वो इसके माध्यम से इस समाज के लिए क्या हो रहा है, सरकार आगे जाके क्या करने वाली है, इनके लिए जो कमीशन बनाता है, तो इनके जो सिफारिशों के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इस बारे में जानकारी दी और कार्यकारिणी की गठन करना था, वो भी गठन किया है। मुझे आपको बताने में ये भी खुशी है कि पहले खाली महाराष्ट्र में विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए एक कॉरपोरेशन था, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, लेकिन 2015 में ही गुजरात में आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पे इन जनजातियों के लिए कॉरपोरेशन बनाया है और यहाँ पूरा जो संचालक हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सबको नियुक्त किया है और अच्छा काम चल रहा है। केंद्र की भी जितनी योजना हमको लग रही है, वो भी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। जो भी यहाँ का जो कॉरपोरेशन है, बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ हो रही और उसको और ज़्यादातर काम करे, इसीलिए हम संगठन का विस्तार करने यहाँ आए थे कि जो समस्या हो सरकार के पास चली आए। देखिए, अभी हर देश की एक धरोहर संस्कृति है, लोकधारा है, लोक परंपरा है, उसका लोक साहित्य है। अगर हम देश के बारे में करें तो हमारे लोग बाहर घूमना ज़्यादा जाते थे, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी, वैसे भी हमारे देश में कुछ 7 आश्चर्य है, तो एक ऐसा बने और सरदार जी की प्रतिमा तो इतनी बड़ी है कि पूरे देश को एक साथ खड़ा करने का श्रेय उनको जाता है। अलग अलग संस्थानों में बटा हुआ देश एक साथ लेकर आने का काम सरदार जी को जाता है, पूरा देश उनको लोह पुरुष के रूप से जाना जाता है, तो और वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और एक ऐसी प्रतिमा उनकी बने। अभी छोटा मोटा स्टैचू तो हो सकता था, लेकिन एक सरकार का व्यू था कि इतना बड़ा स्टैचू बने। अभी जाहिर है कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है और हम लोग कहेंगे कि उसको नेचर को कुछ तकलीफ ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो दोनों का बैलेंस अच्छा हुआ है। वहाँ से हमने अभी देखा है कि उनको जो इनकम हो रहा है वहाँ पे, वो भी अच्छा हो रहा है, तो वहाँ लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं देश से, तो आजू बाजू के लोगों को वहाँ रोज़गार भी उसके माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी देखो कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ अभी एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो कहाँ ना कहाँ तो उसकी छोटी बहुत ये होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी ये तो गुजरात का विषय है, मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ये आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स पूरी तरह से अलग है और विमुक्त घुमंतू अलग है। अभी उससे भी बदतर जिंदगी ये लोग जीते। आदिवासियों को जमीन है, इन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है, खुद के घर नहीं है कोई, तो ये जो समाज, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, तो इसीलिए हम कि सरकार कुछ कर रही है। पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री इनका नाम अपने मुँह से ले रहे हैं, आज इनका नाम कोई नहीं लेता था, तो एक महत्व इन जनजातियों का प्राप्त हो रहा है। तो आदिवासियों को तो हम यही तो बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग सा मंत्रालय बनाओ, जैसे आदिवासियों के लिए मंत्रालय है, पिछड़ों के लिए मंत्रालय है, तो गुजरात ने भी एक OBC और जो ये जो लोग है VJNT के लोग है, विमुक्त घुमंतू लोग, इनके लिए अलग सा मंत्रालय बने, इनके लिए अलग सा विभाग काम करे। और हमें खुशी है कि एक अच्छा कॉरपोरेशन यहाँ गठित है और पूरी तरह से काम करता है ये कॉरपोरेशन, तो इसके लिए सरकार को भी हम बधाई देते हैं कि अच्छा काम चल रहा है और अच्छा बने। जो अच्छा हो रहा है उसका तो स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। भरतभाई बाहूभाई पटणी, હું ગુજરાત રાજ્ય વિચરતી વિમુક્ત જાતિ વિકાસ પરિષદનો
સ્ટેટનો અધ્યક્ષ છું. આજનો જે આ કાર્યક્રમ છે એ પ્રાંત કાર્યકારી અને ગુજરાત રાજ્યના 31 જિલ્લામાંથી 40 જાતિઓના ચુનંદા 150 જેટલા કાર્યકર્તાઓની આજની આ જે બેઠક છે. આજનો અમારો મહત્ત્વનો મુદ્દો તો સંગઠન માટે ના હોદ્દેદારો આજે જાહેર કરવાના છીએ, પણ રાજ્ય સરકાર જોડેની આજે અમારી એક માગણી છે કે ઘુમંતુક જાતિઓ માટે 6/6/2003 જે રેવન્યુનો જે GR છે એનું 100% ઇમ્પ્લિમેશન થાય તો આ ઘુમંતુક જાતિઓના 1 કરોડની વસ્તી ગુજરાત રાજ્યમાં છે. આજે 70% લોકો આવાસ વગરના છે, તો આ લોકો એક સેટલ થાય, એક ખુશાલી જિંદગી જીવી શકે. બીજી અમારી એક મહત્ત્વની માગણી છે કે આજે રાજ્ય સરકાર અને ભૂમાફિયાઓ જ્યાં જ્યાં ઘુમંતુક જાતિઓ જે 150-200 વર્ષથી એક જ જગ્યાએ 5-5 પેઢીઓથી રહે છે, પણ અશિક્ષણના કારણે પોતાની જમીન નિમ નથી કરાવી શક્યા, આ જ ઉપરપટ્ટીઓને ઉખેડી નાખવાનું જે ષડયંત્ર છે આ લોકોને ત્યાં જ આજે ઇમ્પેક્ટ ફી લઈ કરીને સરકાર જો પ્રોપર્ટી જો નિયમ કરતી હોય તો આ ઘુમંતુક જાતિઓ માટેનો 6/6/2003 શહેરી વિકાસ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 200 વાર સુધીની જગ્યાઓ મફત આપવા માટેનો રાજ્ય સરકારનો જે બીજું નવું કંઈ નથી કરવાનું, તો આવા પરિવારોને જે તે જગ્યાએ ઝૂંપડપટ્ટી ડેવલપમેન્ટ થાય તો એમના આજીવિકા માટે દૂર ના થાય. વિકાસના નામે આપણે કાંકરિયા કાર્નિવેલ કર્યો, પણ ત્યાંથી ઘુમંતુક જાતિઓના 4000 જેટલા પરિવારો કે જે પોતાનું પેટ્યું રડતા હતા આજે 8 જણ જેટલા દૂર, તો આ 4000 પરિવારો વેર વિખેર થઈ ગયા. તો આવા આજે ભૂમાફિયાઓની આ અત્યારે મોંઘી જમીનો કે ગુલબાઈ ટેકરાનો જે આંબાવાડીનો ક્રીમ વિસ્તાર છે તો તેની અંદર એ લોકો 300 વર્ષથી જ્યાં અમદાવાદ વિકસિત નહોતું ત્યાંથી ત્યાં, પણ અનાવડતના કારણે આ જમીની માલિકીનો પ્લોટ જમીન માલિકને બીજે ફાળવી કરીને અને કોર્પોરેશન હેઠળ લઈ કરીને આ પ્રકારનું જે ષડયંત્ર થઈ ગયું છે, તો આ લોકો વિસ્થાપિત ના થાય, આ લોકો સેટલ થાય એ આ મહા મોટી આજની વાત છે. બીજું રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઇટ ટુ જે એજ્યુકેશન છે, તો એની અંદર આ ઘુમંતુક જાતિઓ જે ટ્રાઇબલ કરતાં પણ ટ્રાઇબલની તો 12% અનામત છે, 80% છે જે લોકો ભારતની આઝાદીની અંદર મુખ્ય લડાઈ લડ્યા છે કે બાય બોર્ન અંગ્રેજોએ અમને ક્રિમિનલ ટ્રાઇબ ગણ્યા હતા. આવા પરિવારોને જો ન્યાય મળે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનની અંદર OBCનું જે બાયફર્કેશન કરીને 10%, તો આ એક અમારો મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. બીજું સ્ટ્રીટ વેન્ડર એક્ટ હેઠળ જે આ શાક બકાલુનો કે અન્ય જે ફેરીનું જે છે, તો એવી જગ્યાએ જે મહાનગરપાલિકાઓની અંદર બજારો બનાવી કરીને આ ઘુમંતુક જાતિઓના લોકોને સ્ટ્રીટ વેન્ડર એક્ટ હેઠળ આ લોકોને સેટલ થાય, આ મહત્ત્વની માંગણીઓ છે અમારી. હું ડૉક્ટર કેતન આનંદ ઇન્દ્રેકર, જે છારા આડોડિયા સાસી સમાજ જે NTDNTની અતિ પછાત જ્ઞાતિઓ છે એમાંથી આવું છું અને 1976થી આ જ્ઞાતિઓ માટે કામ કરી રહ્યો છું. આજે જે પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી છે એ અમારા રાષ્ટ્રીય ચેરમેન ભીખુ રામજી ઇદાતે અને અનિલ ફળ એમના નેતૃત્વ હેઠળ આ પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી છે, જેમાં અમારી જે 40 જ્ઞાતિઓ છે એમને જે તકલીફો છે, એમની જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર સુધી અમે પહોંચાડીએ અને એ સમસ્યાઓનું ઝડપથી ઉકેલ આવે એ માટેના અમારા પ્રયત્નો છે. કારણ કે આ જ્ઞાતિઓ જે જ્યારથી દેશને આઝાદી મળી છે ત્યારથી આ જ્ઞાતિઓ માટે ખૂબ ઓછું કામ થયું છે. અમારા જે પ્રશ્નો છે ખાસ કરીને આ જ્ઞાતિઓ ઉપર પોલીસ દમન, જમીન ઉપર અમારા મકાન બનાવ્યા છે એ જમીન અમારા નામે થાય, આ જ્ઞાતિઓનો ઝડપથી ઉદ્ધાર થાય તે માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર 27%માંથી 10% અનામત અમને રિઝર્વેશન આપે, આ બધી માંગણીઓ એ અમારી રાજ્ય સરકાર પાસે છે અને અમને પૂરેપૂરો ખ્યાલ છે કે રાજ્ય સરકાર અમને સાથ સહકાર આપશે. હાલમાં જે સરકાર છે એ ગરીબો અને વંચિતોની સરકાર છે અને એ આ સમસ્યા ઉપર ધ્યાન આપશે. માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી એ DNT NTની જે જ્ઞાતિઓ છે એમના માટે તત્પરતા એમણે બતાવેલી જ છે, એટલે અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે આ જ્ઞાતિઓ માટે ખૂબ સારું કામ થશે. મેરા નામ કાંચન રાજેન્દ્ર ખાડે, મેં મહારાષ્ટ્ર સે નાસિક સે હું. હમ લોગ ચાહતે હૈ કે મહારાષ્ટ્ર કી ઓલ સ્ટેટ સે
हम विमुक्तों घुमंतु जाति जमातियों को इकट्ठा करें, उनकी प्रॉब्लम हमारे समझ में आए। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। उनका पहला प्रॉब्लम उनकी हेल्थ है, उनको हेल्थ की जो सुविधाएँ चाहिए वो मिलनी है। वो 200 साल से अभी हमने सुना, जो घर में रह रहे हैं, जो ज़मीन उनकी है, उनको वहाँ आइडिया नहीं थी कि हम यहाँ हमारे नाम पे कैसे करें। और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको उन बड़े लोग आके, कोई लोग आके उनकी ज़मीन जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी वो ख़रीदना चाहते हैं, वो ख़रीदी नहीं जाए। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको मिलना चाहिए, ये कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये एक बात है। इनकी शिक्षा जो है, जो लोग फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं आगे जाके, तो उनके लिए शिष्यवृत्ति भी होनी चाहिए। और अभी जो अभी यहाँ पे बताया गया कि नदी के किनारे जो लोग भाजी सब्जियाँ उगाते थे, तो उनका अभी वो बिज़नेस बंद हो गया, तो उनके लिए अलग से बिजनेस गवर्नमेंट की योजनाओं से मिलना चाहिए। इन लोगों को गवर्नमेंट की बहुत सारी मदद की अपेक्षा है, और गवर्नमेंट ही उनका पुनर्वसन कर सकेगा। इसलिए हम लोग सब इकट्ठा आके हमारे प्रयास कर रहे हैं।